देखो डेविड, चेकअप की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ।
बेटा प्लीज ना मुंह बंद रखो, डॉक्टर आज चेक करिए। फिर डॉक्टर जो है चेक करती है, डॉक्टर सब ठीक है ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। सॉरी किंग, मैं आपके आगे अपनी आवाज बढ़ा रही हूँ, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? हाँ डॉक्टर, मुझे कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? नहीं बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आप दोनों इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मिस वी, आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं। मिस वी, आप 2 महीने से प्रेग्नेंट हैं। यू आर प्रेग्नेंट। व्हाट, मिस प्रेग्नेंट? डॉक्टर सच कह रही है कि सच में प्रेग्नेंट है? यस किंग, ये 2 महीने से प्रेग्नेंट है। आप लोगों को जरा डायरिया। मिस वी, क्या आपको कुछ अंदाजा नहीं हुआ? आई मीन आपको चक्कर वोमिटिंग तो हो रही होंगी ना? तो हाँ, मुझे सब कुछ हो रहा था, मुझे ये सब हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये सब वीकनेस की वजह से। नो, ये कोई वीकनेस नहीं है, आप प्रेग्नेंट हैं। और देखिए, ऐसी गलती दोबारा मत करिए, वरना बेबी को हार्म हो सकता था। बेबी और किंग, आपको भी जरा अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। आपने लास्ट नाइट भी, आई एम सॉरी, ये आपका पर्सनल मैटर है, बट बेबी की हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है अभी। ओ माई गॉड, आई एम सॉरी डॉक्टर, हमें नहीं पता था। बट वी, ये तुम्हें भी नहीं पता था ये 2 महीने से? नो देवी, मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बता दिया, वरना हमें पता ही नहीं चलता। आइंदा से आप लोग ध्यान रखिए, ओके? और ये कुछ मेडिसिन है, मिस वी आप इसे फॉलो करिए, वरना मैं चलती हूँ। फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वी, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक मिनट, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम इतने दिनों से चक्कर आ रहे थे, आई मीन 2 महीने से, और उल्टियाँ हो रही थी। तुम्हें समझा नहीं कि तुम मुझे एक बार बताओ कि तुम्हें सब कुछ हो रहा है, हम डॉक्टर को बता दें। प्लीज डेविड, इतना ओवर मत करो, वैसे भी सिर्फ 2 महीने हुए हैं ये बात को, और तुम इतना ओवर कर रहे हो। ये बेबी है, कोई बड़ी चीज तो नहीं। व्हाट, बेबी है? तुम्हें इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो ये हमारा बेबी है, हम दोनों का, और हमें पता ही नहीं था। इस दौरान हम दोनों कल रात भी एक साथ थे, इंटीमेट हुए थे। अगर इसके बाद हमारी बेबी को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बस डेविड, अपनी बातें बंद करो। तुम्हें अगर यही बातें करनी है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे बात नहीं करनी। तुम ऐसा क्यों कर रही होगी? मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। ओके फाइन, गलती मेरी है, आई एम सॉरी, मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती थी ना, जानबूझकर मैंने नहीं बताया। नो वे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर एटलीस्ट तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था ना, ये तुम्हारी हेल्थ पर भी बात है। आई एम सॉरी डेविड, मेरी ज़्यादा ओवर कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, इट्स ओके वी, बट अपना ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो और अब तुम्हें अपने साथ साथ बेबी का भी ख्याल रखना है। मैं समझती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जिमिन के लिए क्यों प्रेग्नेंट हो मैं मेरी बेबी से, बट मुझे कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ था, और वो ये सब कह रही है। आई डोंट बिलीव दिस कि जिमिन ने मेरे पीछे की किसी और के साथ, तो मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, मैं उस पर शक कैसे कर सकता हूँ? लेकिन ये प्रेगनेंसी वाली बात, फिर सच में यकीन नहीं हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं मन मारने को तैयार नहीं है कि ये बेबी मेरा है, क्योंकि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं, फिर बेबी मेरा कैसे हो सकता है? कहीं जैक्सन ने, तो सच बता रहा हूँ, अगर बेबी जैक्सन का हुआ तो जैक्सन को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत ये थी मेरी जिमिन को टच करने की, उसके साथ ये सब कुछ करने की।